सोहे दोस्तों, स्वामी ओम के नाम से आप तो वाकिफ भी होंगे। आपको नहीं पता तो हम ही आपको बता दें, स्वामी ओम जब से काफ़ी कंट्रोवर्सी में आए थे, जब से वो आए थे बिग बॉस के घर में, जब से ही ज़्यादा कंट्रोवर्सियल रहे हैं। और बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्सियल काम किए, जिस वजह से भाई वो हर समय कंट्रोवर्सी में रहते थे। माना जाता ही था कि भाई रागी सावंत के बाद पहला ऐसा ही कंट्रोवर्सियल उन्हें टक्कर देने वाला मिला जो था स्वामी ओम। तो भाई स्वामी ओम ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो की, लेकिन आज एक दुखद ही खबर निकल गई है। आज स्वामी ओम नहीं रहे। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले उन्हें कोरोना हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना हुआ था। और कोरोना होते ही उन्होंने भाई अपना इलाज कराया, लेकिन वो ठीक हो गए थे। लेकिन हाल फिलहाल में उन्हें पैरालिसिस हो गया, जिससे उनका आधा शरीर जो है उसने काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, आपको बताएं काम करना बंद कर दिया। लेकिन आज ही उन्होंने शरीर ने छोड़ दिया अपनी, शरीर से आत्मा और पहुँच चुकी है परलोक, और उनका हो चुका है निधन। और आज 10 से 11 बजे के बीच दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। भाई व्यक्ति कैसा भी, लेकिन उसकी जब मौत हो जाती है तो दुखद समाचार निकल के ये आती है। तो उनकी आत्मा को भी शांति दे, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।